कारवां टीवी हर पल आपके साथ। बरेली में पंचायत के बाद खून खराबा अंधाधुंध फायरिंग में बीडीसी सदस्य सहित दो की मौत, आधा दर्जन घायल। बरेली में पति पत्नी में रोज का झगड़ा निपटाने को लेकर नवाबगंज के जरेली गांव में बुलाई गई पंचायत के बाद अंधाधुंध गोलियां चल गई। पंचायत के बाद घर लौट रहे लड़की के पक्ष के लोगों पर लड़का पक्ष वालों ने जमकर फायरिंग की। हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में लड़की के पिता और हाल ही में बीडीसी का चुनाव जीते उसके ताऊ शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव जरेली निवासी हैदर अली की बेटी नन्ही बानो को शादी पड़ोसी अजहर अली के साथ हुई थी। पिछले कुछ समय से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव का हालात बने हुए थे। मायके पक्ष वालों का कहना है कि अजहर आए दिन नन्ही के साथ मारपीट करता था। सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अजहर ने अपनी पत्नी की पिटाई की थी। इसकी जानकारी मायके वालों को हुई तो उन्होंने गांव के पूर्व प्रधान बाबू के यहां बैठकर विवाद सुलझाने की पहल की थी। पूर्व प्रधान बाबू अली के यहां लड़के पक्ष वालों को भी बुलाया गया था। गांव में संभ्रांत लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया और सुलह का माहौल भी बन गया। इसके बाद दोनों पक्ष वहां से अपने अपने घरों को जाने लगे। अचानक नन्ही का पति अजहर अली और कई साथियों के साथ अवैध हथियारों के साथ आ पहुंचा और घर लौटते पत्नी के पक्ष के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। लड़की पक्ष वालों को भागने का मौका भी नहीं मिला और वे सब गोलियों का निशाना बन गए। फायरिंग में नन्ही बानो के पिता हैदर अली, बीडीसी चाचा गुलशन अली की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ राहगीर भी शामिल हैं। गोलीबारी से पूरे गांव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। सूचना पर एसएसपी रोहित सिंह, एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल, इंस्पेक्टर नवाबगंज धनंजय सिंह कई स्थानों से फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी देहात ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों की तलाश में कई टीमें जुटी हैं। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है, ग्राम जरेली तहसील नवाबगंज से हूं। क्या हुआ था आज, ये जो बवाल हुआ है? आज ये हुआ था, मेरी ससुरी बहन की समाज अजीन की शादी हुई थी 2.5 साल पहले, उस पर विवाद चल गया था। शादी कहाँ हुई थी? जरेली में ही हुई थी। किन के साथ हुई थी? आजाद हुसैन बल्दिया चक्के था जी। क्या हुआ था फिर आज? आज पंचायत चली थी, पंचायत में हमारे भाई ने कुछ कह दिया तो उसी में हाथापाई हो गई और फिर उन्होंने गोलीबाजी शुरू की। किन लोगों ने गोलीबाजी शुरू करी? उन्हीं के परिवार वालों, आजाद हुसैन के परिवार वालों। कितने लोग होते? 5 लोग थे। कौन कौन लोग थे? एक अजहर, आजाद हुसैन, सरवर हुसैन, मंजर अली, कलीम अजहर, जयफी अजहर। अच्छा, ये जो हुआ था सब कुछ, जो गोलीबाजी हुई है, इसमें कुछ लोग खत्म भी हुए हैं जी? कौन कौन लोग मर गए इसमें? मेरे चाचा हैं हैदर अली जी, बदियत मासूम अली, दूसरे चाचा हैं गुलशन अली, बदियत मासूम अली, हैदर अली जो है वो उनके ससुर थे अजहर हुसैन के, वो मेरे चाचा हैं। गोली लगने से ही मरे हैं वो? जी, गोली लगने से मरे हैं। घायल कितने लोग हुए होंगे अंदर से? घायल हुए हैं करीब 12-14 लोग। 12-14 कहाँ पे हैं सब लोग इस टाइम? सब लोग हॉस्पिटल गए, बरेली रिफर कर दिया, पहले नवाबगंज आए थे फिर बरेली रिफर कर दिया गया। क्या हुआ था ये बताओ? लड़की हमारे भैया उसके घर में थी, तो वो रोज मार रहा था, हम सब काम कैसे आया था पता ना, कब तक प्लान बनाया गोली चलाने का। हम सब भैया खाली गए, गोली चलाई थी। कितने लोग घायल हुए हैं? हाँ, सभी घर हमारा खायल हुआ, सब घर खायल हुआ, पूरा घायल है। कोई खत्म नहीं हुए? पता नहीं भाई, अपना हो खत्म। दो भैया हमारे थाना नवाबगंज के जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद में लड़का और लड़की पक्ष के दो पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों लड़का लड़की पक्ष का जो घर है वो 50 मीटर की दूरी पर है और इसमें जो लड़के पक्ष के द्वारा इसमें लड़की पक्ष के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें कि छर्रे लगने से लड़की के पिता और लड़की के पिता के भाई हैदर अली और गुलशन अली की मृत्यु हो गई है और बाकी जो इसमें दो महिलाएँ घायल हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई भी चल रही है।
जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।